दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टिप्स की पुकार में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग कैसे जो है किसी भी नंबर का जो है कॉल डिटेल्स आप लोग निकाल सकते हैं। दोस्तों कॉल डिटेल्स कैसे निकाला जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्कुल आसानी से कॉल डिटेल्स आप लोग जो है किसी का भी जो है निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम करेंगे शुरू, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप लोग जो है वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि फटाफट से वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में दबाना मत भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग को बता दें एक वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और आप लोग के एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ भी मतलब जो है मेहनत नहीं लेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग कर दीजिएगा, आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको किसी का भी कॉल डिटेल्स निकालना है तो आपको करना क्या है, आपको दोस्तों बस उसका मोबाइल नंबर आपको पता होना चाहिए। मोबाइल नंबर से दोस्तों आप लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कॉल डिटेल्स निकालने के लिए, आप लोग गलत मत समझिएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपने जो है माई जियो एप्लीकेशन, दोस्तों ये कहाँ पर एप्लीकेशन मिलेगा ये तो मैं आपको बताऊँगा, बट इस एप्लीकेशन को ओपन करना है या फिर आपके फ़ोन में जो पहले से ही जो है ऑलरेडी पड़ा होगा आप लोग चेक कर लीजिएगा, जियो नाम से होगा, ठीक है। अभी दोस्तों हम आपको बताते हैं कैसे जो है यहाँ पर किसी का भी कॉल डिटेल्स यहाँ पर जो है निकाला जाता है बिल्कुल आसानी से, आप लोग किसी का भी जो है कॉल डिटेल्स निकाल पाएंगे। बस दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कॉल डिटेल्स किसी का भी जो है निकालते हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर वेट करते हैं, अभी नेटवर्क इशू है बट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। और दोस्तों आने के बाद जैसा कि आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है, आप दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे ना, तो नीचे में दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल। आपको यहाँ पर जो है मेन्यू का ऑप्शन जो देखने को मिलता है, आपको मेन्यू भी ऑप्शन पर क्लिक करना है, और मेन्यू भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आने बाद एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटमेंट का ऑप्शन, ठीक है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं स्टेटमेंट का ऑप्शन मिला है बिल्कुल, आपको यहीं पर क्लिक करना है स्टेटमेंट पे। जैसे ही आप लोग दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर में आपको दिखाता है 7 डेज, 50 डेज, और यहाँ पर जो आपको दिखाता है 30 डेज। दोस्तों मैं आपको बता दें आपको जिसका भी निकालना है 7 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का, बिल्कुल आपको उसी पर क्लिक करना है। या तो अगर अदर आपको निकालना है तो आपको नीचे कस्टम डेट का ऑप्शन आएगा, कस्टम डेट पर क्लिक करके उस डेट का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो यहाँ पर 7 डेज का निकालेंगे, उसके नीचे आएगा सेलेक्ट ऑप्शन ईमेल स्टेटमेंट, डाउनलोड स्टेटमेंट, व्यू स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोग अपने ईमेल पे निकलवाना चाहते हैं, या फिर आपको डाउनलोड करना है, या फिर आपको देख रहा है हमें देख रहा है दोस्तों, हम व्यू स्टेटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे व्यू स्टेटमेंट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे, और फाइनली जो भी उसका यहाँ पर जो कॉल डिटेल्स रहेगा आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से दोस्तों आप लोग किसी का भी जो कॉल डिटेल्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें जब आप लोग इस जियो एप्लीकेशन में आएंगे तो वहाँ पर अपना मोबाइल मतलब उसका मोबाइल नंबर आप लोग डाल के उसमें लॉग इन कर दीजिएगा, आसानी से जो है दोस्तों आप लोग को यहाँ पर उसका कॉल डिटेल्स दिख जाएगा, या फिर उसी के फ़ोन में जो है दोस्तों आप लोग जो है इस एप्लीकेशन के माध्यम से उसका कॉल डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर कैसे आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो आपको आना है अपने सीधे प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर आने के बाद ऊपर में सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको लिखना है जियो एप्लीकेशन, जैसे आप लोग लिखेंगे वो एप्लीकेशन आ जाएगा, और वो एप्लीकेशन आपको आसानी से डाउनलोड कर लेना है, फर्स्ट पे ही आता है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आसानी से जो है आप लोग उसका कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद लगी तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं फिर तब तक के लिए।